सो हाई गाइज, बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और आपने रिवील एंड स्टफ तो देखा ही होगा। मतलब मैं तो कूद रहा था भाई डिस्कॉर्ड पे, लिटरली मैं सबके साथ देख रहा था, मेरे जितने भी मेंबर्स हैं डिस्कॉर्ड के। भाई फाइनली हाइब्रिड को जो लव मिल रहा है भाई, फिर से मैं वेट कर रहा था इसका। आपको पता ही है मैं एक हाइब्रिड मैन हूँ और मेरे को गोहान कितना पसंद है, और LF गोहान देख के लिटरली मैं कूद रहा था। सो अब बात करते हैं अल्ट्रा वेजिटा की। सो अल्ट्रा वेजिटा एक पर्पल सीएन है, रेंज टाइप, तो उसका स्ट्राइक और ब्लास्ट दोनों अच्छा होगा। बात करते हैं इसकी यूनिक्स की। शॉर्टन जोन सब्सटीट्यूशन काउंट बाय 2 बाय डिफॉल्ट, तो 2 का सब काउंट इसकी कमी होगी। जैसे नॉर्मल यूनिट्स की 10 होती है तो उसकी 8 से स्टार्ट होगी। 50% टू डैमेज इन्फ्लिक्टेड व्हेन दिस कैरेक्टर एंटर्स द बैटल फील्ड, 50% डैमेज इन्फ्लिक्ट करेगा जैसे ही बैटल फील्ड में आएगा। कैन नॉट बी स्टैक्ड विच इज डिसेंट, और रिड्यूसेस डैमेज रिसीव बाय 40%। डैमेज रिसीव बाय 40% बहुत सही है एक अल्ट्रा यूनिट के लिए, क्योंकि आपको पता है अल्ट्रा यूनिट 14 स्टार पे काफ़ी बढ़िया होगा और सही स्टार्ट्स होंगे 14 पे उसके। एंड 20% टू डैमेज इन्फ्लिक्टेड बाय एलाइड टैग फ्रीजा सागा 15 काउंट्स। सो अभी जितनी यूनिक हमने पढ़ी है काफ़ी डिसेंट लग रही है। सब काउंट डाउन, फिर आपका क्या कहते हैं, रिड्यूसेस डैमेज रिसीव्ड, और एलाई बफिंग कर रहा है फ्रीजा सागा को, जो बहुत बढ़िया लगा मेरे को। नेक्स्ट है पोजेसेस स्पेशल कवर चेंज दैट नॉक्स एनिमी बैक टू लॉन्ग रेंज इफ परफॉर्म्ड अगेंस्ट देयर स्ट्राइक अटैक्स। ओके, तो आपने देखा था कि अल्ट्रा कू के पास ब्लास्ट पे कवर चेंज था। जैसे कोई ब्लास्ट मारता है तो अल्ट्रा कू कवर चेंज करता है तो वो नलीफाई कर सकता है वो ब्लास्ट को। इसके पास स्ट्राइक पे है, तो मतलब ये चलना मेंट है, मतलब ये अल्ट्रा कू के साथ चलेगा। पर्पल रेड तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, पर्पल पर्पल रेड चला सकते हो आप। बात करते हैं तो दूसरा सेट हमने देखा, उसमें लिखा है इन्फ्लिक्ट्स ऑल एनिमी विद एट्रीब्यूट डाउनग्रेड 10% टू डैमेज रिसीव्ड। तो जो भी एनिमीज होंगे जो ये फेस करेगा तो 10% डैमेज रिसीव का डाउनग्रेड डाल देगा उसको फॉर 15 काउंट्स। मतलब जब ये डैमेज करेगा उन पे 10% और डैमेज लगेगी। एवरी टाइम दिस कैरेक्टर यूजेस स्ट्राइक और ब्लास्ट आर्ट, ऑल राइट। तो ये जो डाउनग्रेड है ये तब तब अप्लाई करेगा जब जब ये स्ट्राइक और ब्लास्ट यूज़ करेगा। 10% डैमेज रिसीव्ड का एनिमी पे ये एट्रीब्यूट डाउनग्रेड डाल देगा। एंड वाइल दिस कैरेक्टर इज ऑन द बैटल फील्ड रिड्यूसेज एनिमी की बाय 30 एवरी टाइम द एनिमी यूजेस स्पेशल आर्ट्स कार्ड। तो स्पेशल आर्ट्स कार्ड आपको पता ही है ग्रीन कार्ड है, तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास LF गोहान है तो मैं ग्रीन कार्ड यूज़ करता हूँ तो 30 की कम कर देगा LF गोहान की। ऑन स्पेशल आर्ट्स एक्टिवेशन, तो जो इसका ग्रीन कार्ड है रिस्टोर्स की बाय 30 एंड इंक्रीजेज आर्ट्स कार्ड ड्रॉ स्पीड बाय लेवल 1 फॉर 10 काउंट्स, विच इज़ प्रीटी गुड मैन फॉर ग्रीन कार्ड। मतलब आपको पता है अल्ट्रा कू का प्रॉब्लम क्या था, बेसिकली उसका की रिस्टोर की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। ग्रीन कार्ड पर उसको की रिस्टोर नहीं मिल रहा था, इसको की रिस्टोर मिल रहा है 30 का, और इसको इंक्रीजेज आर्ट्स कार्ड ड्रॉ स्पीड बाय 1 विच इज प्रीटी गुड। कार्ड ड्रॉ स्पीड फॉर एनी सीएन इज प्रीटी गुड। कॉम्बोएबल आर्ट्स स्ट्राइक ब्लास्ट स्पेशल आर्ट्स स्पेशल मूव अल्टीमेट, ऑल राइट। तो ये ऐसा मे बी नॉक बैक टाइप का वो है, जैसे अल्ट्रा कू के पास है जैसा नॉक बैक करता है ना, वो मारता है ग्रीन कार्ड से तो एनिमी दूर चले जाता है, वैसा भी इसका ही है। और 30 की और कार्ड ड्रॉ विच इज प्रीटी गुड। जी एबिलिटी इंक्रीजेज ब्लास्ट अटैक एंड डिफेंस फॉर फ्रीजा सागा एंड सीएन। डैम डूड दिस प्रिटी गुड। मतलब सेन सागा फ्रीजा सागा बढ़िया, इन लोगों फ्रीजा सागा को बहुत सपोर्ट कर रहे लोग। वो जो अपना रेड आया था फ्री वाला, जो रेड गोकू आया था, जो 6 फ्री गोकूज में मिला था, ही वॉज ऑल्सो फ्रीजा सागा बफर, सो विच इज़ प्रिटी गुड। अब बात करते हैं कि रेड गोकू जो सन फैमिली में आया था, जी टी और सन फैमिली को बफ करता था, उसको जेंकाई मिल रहा है। ओके तो ये डिसेंट यूनिट है, मतलब इतना भी ओवर द टॉप नहीं था। लेट्स सी इसका जेंकाई क्या कर सकता है। Applies the following effects to self according to how many Dragon Balls you possess when this character enters the battlefield. So अगर आपके पास 3 Dragon Ball, 0 से 3 Dragon Ball होंगे 20% strike damage करेगा, 4 से 6 होंगे तो 30% strike damage करेगा for 15 counts, अगर 7 Dragon Ball है तो 40% strike damage करेगा। Pretty good unique ability जो इसको मिल रही है। और एक और न्यू unique ability है इसकी one hit KO, alright, 40% to strike damage against androids, damn। मतलब दिस इज ऑलमोस्ट लाइक कह सकते हो एंड्रॉइड 18 किलर है। 40% स्ट्राइक डैमेज और ऊपर से ड्रैगन बॉल्स होने पर और स्ट्राइक डैमेज बढ़ रही है इसकी। एवरी टाइम दिस कैरेक्टर यूजेस स्ट्राइक और ब्लास्ट आर्ट्स कार्ड रिस्टोर्स ओन हेल्थ बाय 2%। डैम, ये तो मार्जिन किडबू का जैसा है। किडबू हर स्ट्राइक और ब्लास्ट स्ट्राइक पे वो यूज हील करता है, तो ये स्ट्राइक और ब्लास्ट दोनों पे हील करता है बाय 2% विच इज प्रीटी गुड। इन्फ्लिक्ट्स एनिमी विद एट्रीब्यूट डाउनग्रेड 10% टू डैमेज रिसीव फॉर 10 काउंट्स। मतलब अभी जितनी मैंने यूनिक देखी है बहुत सही लग रहा है, बुरा नहीं है। और जेंका एबिलिटी स्ट्राइक अटैक और एलिमेंट रेड एंड जीटी। ओके सो जीटी को ऑब्वियसली बफ कर रहे हैं, और जीटी में रेड में तो आपका वेजिटा है और ओमेगा है विच इज़ प्रीटी गुड। ओके और अल्टीमेट तो उसका बहुत बढ़िया ही था लास्ट टाइम भी। अब देखते हैं कितना होगा, कितना बढ़िया होगा। ओके, अब बात करते हैं भाई हाइप यूनिट्स की, जो हमने फॉर मेजरली मेरे लिए, जैसे एक हाइब्रिड मेन हूँ उसके लिए सुपर सैयन ट्रंक्स ग्रीन वाला, ग्रीन कलर, मतलब ग्रीन कलर की बहुत ज़रूरत है हाइब्रिड्स को। हम वैसे कोई प्रॉपर ग्रीन कलर नहीं, EX फ्यूचर वन अच्छा है बट इतना बढ़िया भी नहीं है, बट हमें एक ग्रीन की ज़रूरत थी। तो इसके टैक्स तो हैं हाइब्रिड सैयन, सुपर सैयन वेजिटा फैमिली एंड फ्यूचर। With this character enters the battlefield, 80% to damage inflicted, 80% which is pretty good, cannot be stacked and reduces damage received by 25%. तो देख के पता चल रहा है बहुत damage dealing unit होगा। When this character is defeated, restores allied tag hybrid Saiyan health by 10% and 25% to damage inflicted by allied episode sagas from movies. I guess ये health कर रहा है बफ हाइब्रिड सियन के लिए मरने पे, और 25% डैमेज दे रहा है सागास को। आई गेस इनका मतलब ये हो सकता है कि ये हेल्थ भी दे रहा है 10% और 25% डैमेज देते हैं जैसे ही मरता है, सागास के लिए और हाइब्रिड दोनों के लिए। ये होना चाहिए। और बात करते हैं इसकी दूसरा पार्ट, व्हेन चेंजिंग कवर रिड्यूसेस डैमेज रिसीव्ड बाय 20% अंटिल कॉम्बो एंड्स एंड इन्फ्लिक्ट्स एनिमी विद एट्रिब्यूट डाउनग्रेड 10% टू ऑल आर्ट्स कॉस्ट। थोड़ा अनोइंग होगा, 10% आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओके, आफ्टर एनिमी अटैक इज ओवर इफ ओन रिमेनिंग हेल्थ इज 75% और बिलो। ओके, जैसे आपको मतलब एनिमी ने को डैमेज किया आप पे और आपकी 75% और उससे या उससे बिलो है हेल्थ, तो रिस्टोर्स हेल्थ बाय 15% एंड 30% टू डैमेज रिसीव्ड, डैमेज इन्फ्लिक्टेड 30% टू डैमेज, 40% टू की रिकवरी एंड कैंसल्स एट्रीब्यूट डाउनग्रेड्स एंड अबनॉर्मल कंडीशंस। ऑल इफेक्ट्स एक्टिवेट्स ओनली वंस, एक बार। तो जैसे ही उसने डैमेज किया आगे वाले ने उस पर, तो उसको क्या कहते हैं 15% हील मिलेगी और 30% डैमेज मिलेगा, 40% की रिकवरी, कैंसल एट्रीब्यूट डाउनग्रेड्स एंड अबनॉर्मल कंडीशंस। प्रिटी गुड, मतलब अभी तक तो मेरे को डिसेंट लगा। डैमेज बहुत है इसके पास। एंड ऑन स्पेशल मूव आर्ट्स एक्टिवेशन 20% टू स्पेशल मूव डैमेज इन्फेक्टेड फॉर 3 काउंट्स एंड गेन्स -50 टू एनिमी सस्टेन डैमेज का इफेक्ट फॉर 3 काउंट्स। ब्लास्ट आर्मर व्हेन चार्जिंग फॉरवर्ड। ओके, 20% स्पेशल मूव डैमेज इन्फेक्ट करेगा फॉर 3 काउंट्स एंड गेन्स -50 टू सस्टेन डैमेज कट। मतलब स्पेशल मूव बहुत तगड़ा लगेगा इसका, क्योंकि डैमेज भी 80% है। उसका एक बार आपकी 75% से हेल्थ कम हो तो आपको और 30% डैमेज मिल रहा है, 110। यहाँ से स्पेशल मूव एक्टिवेट करोगे तो 20% और, काफ़ी ज़्यादा, मतलब 130 स्पेशल मूव डैमेज हो सकता है। तो ये बहुत तगड़ा हिट करने वाला है, मैं अभी से बता सकता हूँ। और हाइब्रिड्स के लिए तो ये बहुत बढ़िया होगा, मैं अभी बता रहा हूँ। ओके, तो बात करते हैं बोजैक की। बोजैक सबसे अनोइंग यूनिट था, पर्पल बोजैक। येलो बोजैक डिसेंट था, इतना खास नहीं था, पर पर्पल बोजैक बहुत अनोइंग रह चुका है और वो मेटा रह चुका है। अब बात करते हैं क्या है, डिफेंस टाइप है, रेड कलर। शॉर्ट एंड जलाई सब्सटीट्यूशन काउंट बाय 5 व्हेन एनिमी एक्टिवेट्स राइजिंग रश। ओके, वाइल दिस कैरेक्टर्स ऑन द बैटलफील्ड। तो अपना सब्स काउंट ये 5 कर देगा, एलआई सब काउंट 5 कर देगा व्हेन एनिमी एक्टिवेट्स राइजिंग रश। ऑलराइट, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल आप बैटलफील्ड पे हो और आगे वाले ने राइजिंग रश किया तो 5 सब काउंट डाउन कर लेगा और आप स्विच कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया है मैनिपुलेशन के लिए। व्हेन दिस कैरेक्टर एंटर्स द बैटलफील्ड +5 टू एनिमी स्ट्राइक एंड ब्लास्ट कॉस्ट फॉर 10 काउंट्स। तो मतलब एनिमी की 5 स्ट्राइक और ब्लास्ट कॉस्ट बढ़ा देगा 10 काउंट के लिए। ओके, एबिलिटीज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, When changing cover reduces damage received by 30% until enemy combo ends and inflicts all enemy with 3 substitution count. Okay, तो cover change space को reduces damage received by 30 कर देगा और inflicts all enemy with 3 substitution count. All right, 42 damage inflicted 15 counts after enemy attack is over. Decent है, मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा। मतलब कहीं मैंने अभी तो प्रॉपर जब किट आएगी तभी पता चलेगा, अभी जज नहीं कर सकते इनको। ज़्यादा डैमेज का मेरे को कहीं इस पर दिख नहीं रहा। और ऑन स्पेशल मूव आर्ट्स हिट रैंडमली डिस्ट्रॉय 3 एनिमी कार्ड्स। ओके, एंड पावरफुल ओपोनेंट और सागस ऑन द मूवीज को बफ कर रहा है। और मैंने कहीं तो पढ़ा था कि ये जो ट्रांसफॉर्म करता है ये अपने आर्ट्स उससे करता है, अवेकेंड आर्ट्स। तो देखते हैं, अब यहाँ पे तो नहीं दिख रहा मेरे को। ओके, तो अब बात करते हैं मेन हीरो की, जो इस शो था लिटरली, इस क्या कहते हैं जो मेन शो स्टॉपर होते हैं ना, वो LF गोहान। पर्पल टाइप हाइब्रिड्स को चाहिए था। ओके, रिवाइव्स विद 70% हेल्थ व्हेन ओन हेल्थ रीचेस 0। सो एक बार आपकी हेल्थ 0 हो जाए तो 70% से रिवाइव करेगा, जो बहुत बढ़िया। रिवाइव को 50% करता था, 70% करता है। एक LF के लिए बहुत बढ़िया है ये। On transformation, 60% to damage inflicted, -5 to strike and blast arts and nullifies abnormal conditions, and -25 to enemy sustained damage cut. So 60% damage, -5 to strike and blast cost, nullifies abnormal condition, -25 to enemy sustained damage cut effects. Okay. तो ये यूनिक ही बहुत बढ़िया लग रही है. 60% डैमेज भी मिल रहा है, कॉस्ट भी कम हो रही है, अबनॉर्मल कंडीशंस भी नलीफाई कर रहा है, -25 टू एनिमी सस्टेन डैमेज कट भी कर रहा है. फाइनली अब ये तो बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दिया इन लोगों ने. 22 डैमेज इन्फ्लिक्टेड अगेंस्ट टैग पावरफुल ओपोनेंट, और आपको पता है पावरफुल ओपोनेंट में मोस्टली रीजन भरी हुई है. ओके और आपको पता है गोकू ब्लैक तो हाइब्रिड किलर है और गोकू ब्लैक भी पावरफुल ओपोनेंट है. तो रैंडमली ड्रॉज 1 न्यू कार्ड व्हेन यू हैव 3 और फ्यूअर कार्ड्स व्हेन दिस कैरेक्टर एंटर्स द बैटलफील्ड. जो जैसे ही बैटलफील्ड में आएगा, अगर आपके पास 3 कार्ड या उससे कम है तो एक कार्ड इसको एक्स्ट्रा मिलेगा. इफ एन एलाय हैज बीन डिफीटेड, रैंडमली ड्रॉज अप टू 2 न्यू कार्ड्स इंस्टेड एवरी टाइम दिस कैरेक्टर यूजेस एन आर्ट्स कार्ड. ओके दिस इज समथिंग डिफरेंट. इफ एन एलाय हैज बीन डिफीटेड, तो कोई आपका अगर यूनिट मर गए तो रैंडमली ड्रॉज अप टू 2 न्यू कार्ड्स इंस्टेड एवरी टाइम दिस कैरेक्टर यूजेस एन आर्ट्स कार्ड. तो मतलब अगर कोई भी कार्ड यूज करता है तो ये दो करता है कार्ड. ओ भाई साहब, रैंडमली ड्रॉज अप 2 न्यू कार्ड्स इंस्टेड एवरी टाइम दिस कैरेक्टर यूज एन आर्ट्स कार्ड. भाई मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्राइक यूज कर रहा हूँ या कोई भी स्ट्राइक ब्लास्ट कुछ भी कर रहा हूँ, तो अगर मेरा कोई एलाई डिफीटेड है तो मेरे को 2 एक्स्ट्रा कार्ड मिल रहे हैं डेक में. ओ भाई साहब, कार्ड ड्रॉ स्पीड भी है बंदे के पास. ओके मैंने पढ़ लिया था पहले मेन एबिलिटी में, इसके पास कार्ड ड्रॉ स्पीड में बताता हूँ आपको. 25% टू डैमेज इन्फ्लिक्टेड टू 15 काउंट्स एंड रिस्टोर्स की बाय 15. 25% टू डैमेज इन्फ्लिक्टेड, ओ भाई साहब मतलब जब आपका कोई एलाई मर जाता है तो 25% ज़्यादा डैमेज करेगा 15 काउंट के लिए, और की भी 15 से रिस्टोर करेगा जब भी ये बैटलफील्ड में आएगा, विच इज़ प्रिटी गुड. लास्ट स्टैंड यूनिट विद हिज मेन एबिलिटी रिस्टोर्स ओन की बाय 70 एंड इंक्रीज आर्ट्स कार्ड ड्रॉ स्पीड बाय 1 फॉर 30 काउंट्स. ओ भाई साहब, 30 काउंट का कार्ड ड्रॉ स्पीड 70 की क्या ही चाहिए भाई, बनाया क्या इस यूनिट को. Destroys all of your own cards and draws a special move arts card next. Increases the damage of the next special move card. तो जैसे ही मतलब मेन एबिलिटी पॉप करोगे, 70 की मिली, अब इसने अपने सारे कार्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए. एक स्पेशल मूव आर्ट्स कार्ड नेक्स्ट एंड ड्रॉज अ स्पेशल मूव आर्ट्स कार्ड. मतलब सारे कार्ड देख के उड़ जाएंगे आपके मेन एबिलिटी पॉप करने के बाद. उसकी स्पेशल मूव की डैमेज भी बढ़ जाएगी और इंक्रीज द डैमेज ऑफ द नेक्स्ट स्पेशल मूव कार्ड यूज्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आर्ट्स कार्ड्स डिस्ट्रॉयड. तो मतलब जितने कार्ड डिस्ट्रॉय होंगे उतना उसका स्पेशल मूव का डैमेज बढ़ेगा. ओ भाई साहब, भाई बहुत खतरनाक लग रहा है इसका. ओ माय गॉड. वैसे सागास फ्रॉम द मूवीज हाइब्रिड सीन और सन फैमिली, तो सागास फ्रॉम द मूवीज सेट हो गई है भाई अभी 2-3 महीने के लिए, और हाइब्रिड तो बस्टेड ही हो गया, नेक्स्ट लेवल. छोड़ दो भाई इन लोगों को. सो भाई ये था भाई EX के बारे में. मैंने ज़्यादा मैंने कुछ बताया नहीं है अभी आपको. मैं आपको जब उसका किट आएगा प्रॉपर्ली तब एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा है बताने को अभी एज ऑफ नाउ. बट यही था भाई हाइप. मतलब मज़ा आया यार देखकर, लिटरली हाइप है सेकंड एनिवर्सरी और मैं CC नहीं है, बट आई विल ट्राई टू कलेक्ट सम हाउ. और भाई हैम करूँगा इस बैनर में लिटरली. मेरे को यूनिट चाहिए कुछ भी बोलो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. कमेंट करो कैसा लगा वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन.